मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी का गठन हुआ है। इस बारे में राजनीतिक विश्लेषक अशोक त्रिपाठी ने महत्वपूर्ण बात कही है। उनका कहना है कि कार्यकारिणी के गठन में पट्टावाद को दरकिनार करते हुए संगठन निष्ठा और सभी तरह के संतुलन का पूरा ध्यान रखा गया है। इससे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर मजबूत होगी। भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी का गठन हुआ है, इस बारे में हम बात करेंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद राजनीतिक विश्लेषक अशोक त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी के सांगठनिक हितों की दृष्टि से ये राजनीतिक कवायद कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो देखने में आई कि प्रदेश भाजपा का विस्तार और पट्टों को किया दरकिनार, ये सबसे अच्छी बात समझ में आई। ऐसे लोग जो प्रदेश भाजपा के संगठन विस्तार में सबसे अच्छी बात जो समझ में आई है वो यह है कि राजनीति में एक दौर ऐसा शुरू हो गया था पट्टावाद का कि पट्टे बनिए और पट्टे बनाइए। बड़ा नेता वही है जिसका ऊपर कोई आका है, ऊपर कोई काका है, या वो किसी का पट्टा है या चापलूस है, और उसके खुद के कितने चापलूस है। लेकिन इस बात के लिए निश्चित रूप से बड़ा साधुवाद का प्रश्न है, धन्यवाद करना चाहिए कि ऐसे सारे लोग जो अपने अपने क्षत्रपों को ही नेता मानते थे, ऐसे सारे लोग जो इस पट्टावाद की रस्म पर चल रहे थे, उस सब मिथक को तोड़ते हुए ऐसे लोग जो मतलब निश्चित रूप से जो पार्टी संगठन के लिए जिनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिनका नेता सिर्फ कमल का फूल है या जिनका नेता सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, संगठन निष्ठ कार्यकर्ताओं को महत्व देते हुए जिस प्रकार से इस टीम का गठन किया गया है, निश्चित रूप से यह वर्तमान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की बड़ी एक कुशल रणनीति है। होता क्या है कि किसी के को नेता जो अपने को निकट है ले लिया और बाकी को छोड़ दिया तो असंतोष उभरता है। अब कोई ये दावा नहीं कर सकता है कि आपने उसके खास को ले लिया और इसके खास को छोड़ दिया और अच्छे नए चेहरों के साथ। और इसके पहले शुरू में जो टीम की रचना की थी उसमें भी, उस रचना में जैसे अपना यदि भोपाल महानगर से महामंत्री के रूप में भगवान दास समनानी को लिया तो वो अपने आप में एक संस्कार, शुचिता और स्वच्छता के लिए जाने जाते हैं, एक जमीनी नेता है। तो इस प्रकार का ही सारा का सारा निर्णय जो हुआ है, यह निश्चित रूप से भाजपा के लिए शुभ संकेत है। और इससे बढ़कर बात यह है कि जो गाइडलाइन है ना कि निरंतर एक ही पद पर ना रखा जाए दो बार या तीन बार, वह भी इसमें नहीं दिखा। नए युवा चेहरों को, जैसे कार्यालय मंत्री राघवेंद्र जी शर्मा है, अच्छे युवा है, इस प्रकार का किसी व्यक्ति। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.